Hello friends, welcome to my channel, and in this video we are going to talk about the top 10 features of Realme X2 Pro. और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. तो चलिए जल्दी से बात करते हैं टॉप 10 फीचर्स ऑफ Realme X2 Pro. तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फीचर जो कि है हमारा रिफ्रेश रेट. उसको ऑन करने के लिए आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर. सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में और वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रिफ्रेश रेट, स्क्रीन रिफ्रेश रेट. यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, 60Hz और 90Hz. तो जैसे ही आप 90Hz को सेलेक्ट करेंगे आप अपनी जितनी भी एप्लीकेशन है उसको 90Hz पे यूज़ कर पाएंगे. इसका बेनिफिट ये है कि आपको एक बहुत ज़्यादा स्मूदर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जो आप जब अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे तो देन यू कैन ओनली फील इट. तो आप जब यूज़ करेंगे अपने फ़ोन को तो आपको एक बहुत ज़्यादा स्मूदर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा. तो ये एक अच्छी चीज़ है. अगर आप बैटरी सेव करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं. वापस आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है, स्क्रीन रिफ्रेश रेट के अंदर जाना है और 60Hz को सेलेक्ट कर लेना है. तो आपका फ़ोन जो है नॉर्मली बिहेव करेगा, उतनी ज़्यादा स्मूथनेस नहीं मिलेगी लेकिन आपकी जो बैटरी है वो सेव हो जाएगी. सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है डॉल्बी एटमॉस साउंड. उसके लिए आपको वापस सेटिंग्स के अंदर जाना है, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डॉल्बी एटमॉस ऑप्शन. अगर आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल के अंदर आप और ज़्यादा एनहेंस्ड म्यूज़िक सुन पाएँ तो आपको इसको म्यूज़िक ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है. फ़ोन में आते हैं ड्यूअल स्पीकर्स तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट ऑप्शन के लिए. और अगर आप चाहते हैं थोड़ा और एनहेंस्ड म्यूज़िक, थोड़ा और बास, तो आप उसके लिए म्यूज़िक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं. तो आपका जो साउंड है वो और ज़्यादा एनहेंस होकर के आ जाएगा. थर्ड फीचर की बात करते हैं जो कि है फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल. उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर. सेटिंग्स के अंदर से आपको जाना है फिंगरप्रिंट फेस पासवर्ड में. वहाँ से आपको जाना है फिंगरप्रिंट पे. यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है. पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एनिमेशन स्टाइल, इस पर क्लिक करना है और आपको जो भी एनिमेशन चाहिए आपको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस जो हैं आपको एनिमेशन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे जो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं. फोर्थ फीचर की बात करते हैं जो कि स्मार्ट ड्राइविंग. उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर. सेटिंग्स के अंदर से आपको जाना है स्मार्ट सर्विसेज पे. स्मार्ट सर्विसेज पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है स्मार्ट ड्राइविंग पे. और जैसे आप इस फीचर को इनेबल कर लेंगे तो अगर आप जैसे ड्राइविंग मोड ऑन करना चाहते हैं तो आपको कोई भी जो है कॉल रिसीव नहीं होगा, यानी कि कॉल रिसीव होगा बट वो म्यूट हो जाएगा. यानी कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको वो एक तरह से डू नॉट डिस्टर्ब का मोड जो है ऑन हो जाएगा. अगर आप ड्राइविंग मोड चाहते हैं या फिर आप बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं तो आप राइडिंग मोड को भी ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस मोड को ऑन कर सकते हैं. फिफ्थ फीचर की बात करते हैं जो कि है नेविगेशन जेस्चर्स. उसके अंदर आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर. यहाँ से आपको जाना है कन्वीनियंस एड में और सेलेक्ट करना है नेविगेशन कीज़. यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है स्वाइप जेस्चर्स फ्रॉम बोथ साइड्स या फिर आप कोई और ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपको बटन्स चाहिए, वर्चुअल कीज़ चाहिए तो आप वर्चुअल कीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी तरह की कीज़ आपको चाहिए. और अगर आप नीचे की तरफ कीज़ नहीं चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर मोर के ऑप्शन से भी आप स्वाइप अप जेस्चर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. तो इसमें काफ़ी सारे आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्मली स्वाइप अप करके ही इसको ऑपरेट करें अपने फ़ोन को तो आप वो भी कर सकते हैं. सिक्स्थ फीचर की बात करते हैं जो कि जेस्चर एंड मोशंस. तो जेस्चर एंड मोशंस के लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर. वहाँ से आपको जाना है कस्टमर कन्वीनियंस एड पे और सेलेक्ट करना है जेस्चर्स एंड मोशंस. यहाँ पर आपको दिखेगा स्क्रीन ऑफ जेस्चर पे आपको क्लिक करना है. यहाँ से आप जो भी ऑप्शन चाहें उनको ऑन कर सकते हैं. जैसे कि आप अगर डबल टैप टू स्क्रीन ऑन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं. जैसे आपकी स्क्रीन ऑन होगी, अगर आप डबल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी. तो इस तरह से आप फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं. अगर आप ओ बनाएंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा. जैसे मैं ओ बनाऊंगा तो जो आपका कैमरा है वो ऑन हो जाएगा इमीडिएटली. तो इस तरह से आप कन्वीनियंस फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं. और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं. अगर आप कोई पर्टिकुलर ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टार्ट एन ऐप पर क्लिक कर सकते हैं और जो भी आप एप्लीकेशन चाहते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं. तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे. जैसे कि मैंने एक ऑन कर रखा है, अगर मैं ऊपर की तरफ स्लाइड करूँगा तो जो मेरा गेम है वो ऑन हो जाएगा. तो इस तरह से आप काफ़ी सारे फीचर्स को जो है ऐड कर सकते हैं. फीचर की बात करते हैं जो कि है स्मार्ट स्लाइड बार. इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर. वहाँ से आपको जाना है कन्वीनियंस एड पर और सेलेक्ट करना है स्मार्ट स्लाइड बार. तो
तो जैसे आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे तो आपको साइड में दिखेगी एक स्लाइड बार, यहाँ पर आपको स्वाइप लेफ्ट करना है और आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप अगर शॉर्टकट कुछ भी डालना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप कोई और ऑप्शन चाहते हैं, जैसे कैमरा ऑन करना चाहते हैं या स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन भी आप और ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें भी आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे व्हाट्सएप आप ऐड कर सकते हो या यूट्यूब ऐड कर सकते हो या कोई भी एप्लीकेशन आप इसमें ऐड कर सकते हो और स्लाइड बार के थ्रू उसको क्विकली ओपन कर सकते हो। एट्थ फीचर की बात करते हैं जो कि है थ्री फिंगर स्वाइप अप। उसके लिए आपको कोई भी, जैसे आपने एप्लीकेशन ओपन कर रखी है और आप चाहते हो कि दो एप्लीकेशन एक साथ यूज़ करें, उसके लिए आप नीचे से अपनी तीन फिंगर्स को ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और उसके अलावा फिर कोई भी आप और एप्लीकेशन यूज़ कर पाओगे जो भी आप चाहते हो। जैसे सपोज़ मैंने अमेज़ॉन ओपन किया तो आप एक साथ दो एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाओगे, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक साथ दो एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर पाओगे। और बंद करने के लिए बीच में एक थ्री डॉट दिए हुए हैं, उसको आप कट भी कर पाओगे, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। नाइन्थ फीचर की बात करते हैं जो कि डिजिटल वेलबींग। ये ऑलमोस्ट हर एंड्रॉयड 9 यूज़र जो भी है सबके फ़ोन्स में है, बट इसके अंदर भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सेटिंग्स में जाकर के आपको डिजिटल वेलबींग ऑप्शन और पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन को ऑन करना है। इसमें आपको सारी चीज़ें बता देगा कि आपने कितनी देर कौन सी एप्लीकेशंस को यूज़ किया है। तो अगर आप जैसे चाहते हैं विंड डाउन ऑन करना, तो जब भी आप सो रहे हैं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन या मैसेज का साउंड नहीं सुनाई देगा, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं ताकि आप जब भी सो रहे हैं तो आपकी नींद जो है डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह से फोकस मोड है, फोकस मोड के अंदर भी जब आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर ऐप्स जो है आप बंद कर सकते हैं उनको, उस टाइम पीरियड में आपको कोई भी नोटिफिकेशन उस ऐप से नहीं आएगा। या फिर आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर सकते हैं या पेरेंटल कंट्रोल ऑन कर सकते हैं। अगर आप अपने चाइल्ड को अपना फ़ोन दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा देर यूज़ ना करें, तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शंस को भी आप ऑन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, आप इसको ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, अगर आप उसको लिमिट कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी। सपोज़ एक घंटे आप यूज़ करते हैं तो एक घंटे बाद वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी और उस पूरे 24 आवर्स के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। टेंथ एंड फाइनल फीचर की बात करते हैं जो कि है गेम स्पेस। अगर आप गेम्स खेलना चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो आप गेम स्पेस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो गेम स्पेस है, ये आपकी बैटरी को भी सेव करता है और आपको एक स्मूदर और एनहेंस्ड गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। तो गेम स्पेस के अंदर आप जो भी गेम खेल रहे हो उसको यहाँ से जा करके आप ऑन कर सकते हो। तो जब भी आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, आपको राइट साइड से स्वाइप डाउन करना है और आपको जो है एक बार दिखेगी, उसके अंदर काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक मैसेंजर आप यूज़ करना चाहते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं वाइल गेमिंग, तो आप वो भी कर पाएंगे। कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसका ऑप्शन है। रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने गेम को तो वो भी आप कर पाएंगे। अगर आपको कोई कॉल आ रहा है तो उसको भी आप रिसीव या रिजेक्ट कर पाओगे। और आप कितने FPS पे उस गेम को खेल रहे हो और आपका जो CPU है मोबाइल के अंदर, वो कितने ग्राफिक्स कंज्यूम कर रहा है, कितना CPU का कंज्यूम कर रहा है, वो सब चीज़ें भी आपको बता देगा। तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको गेम स्पेस के अंदर भी मिल जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।